हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी पावर पॉइंट में। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोगों ने परीक्षा दिया था जून 2024 में, जिसका रिजल्ट 3 अक्टूबर 2024 को आ गया। लेकिन कॉपी को लेकर के बोर्ड में सभी स्टूडेंट का कहना है कि भैया हमने तो लिखा था, लेकिन बोर्ड ने कॉपियां गलत चेक की है। तो बोर्ड ने एक ऑप्शन अभी दे दिया है कि आप अपनी कॉपी फ्री में देख सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। आप लोग ये काम बिल्कुल फ्री में अपने मोबाइल से कर सकते हो, आरटीआई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज रजिस्ट्रेशन कर लो, 2-3 दिन बाद आपको कॉपियां देखने को मिल जाएंगी। आइए बताता हूँ कैसे कैसे आप लोग को करना है। तो देखिए, सिंपल स्टेप में सब कुछ बताता हूँ। और देखिए, बाकी फ्री क्लासेस पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। देखिए, पूरा पढ़ाया जा रहा है, आप लोग जुड़िए फर्स्ट सेमेस्टर वाले और लाभ उठाइए। आगे की तरफ लेके चलते हैं, नोटिस पहले देख लीजिए क्या कहा गया है। 10 तारीख को नोटिस जारी की गई है बोर्ड की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि सम सेमेस्टर वार्षिक बैक वर्क जो भी है, अगर कॉपी देखनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है आप लोग को क्या करना है कि यहाँ तक देखिए सब कुछ एक बैठक वैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया, ऐसा कर सकते हैं। जिसके लिए आपको ई जनहित सर्विस वगैरह पे, ठीक ना, ई सर्विस जनहित पे 11:10 से 14 तक 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन करना है और इस पे क्लिक करके देखना। अभी हम बताएंगे कैसे कैसे करना है, बात को ध्यान से सुनिए। और देखिए, इसमें बोला है कि अवगत यह भी कराना है कि पंजीकृत मोबाइल नंबर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बोला गया है, अगर कोई छात्र छात्रा रजिस्ट्रेशन केवल एक बार मानेगा, अगर कोई छात्र छात्रा गलत कर देता है इस फॉर्म को भरने में, तो भैया यह बदला नहीं जाएगा, एक ही बार मौका मिलेगा। तो इसलिए साथियों, ध्यान पूर्वक बहुत केयरफुल होकर के भरिएगा। वैसे आप लोग लैपटॉप से भरेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से भर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अजीत कुमार मिस का आपको सिग्नेचर वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले बता दे, देखिए अगर आप लोग चाहते हैं गलती वलती ना हो, तो आप लोग मोनू साइबर कैफे का एक बार फिर से सहारा ले सकते हैं, जहां पे आप लोग का पूरा फॉर्म भर करके सबमिट करके दे दिया जाएगा। बहुत ही मिनिमम फीस, मात्र 49 रुपीज में आप लोग के लिए ऑफर्स वगैरह भी दे दिए गए। मैंने बात किया तो 49 आप लोग का रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे, आप लोग कॉपी आके देख लीजिएगा। अब देखिए आगे की तरफ बड़े फटाफट से, तो आप लोग यहाँ पे देखिए कैसे करना है। आप लोग सबसे अपने से भी कर सकते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं कराना ही है, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लोग क्या करना होगा, BTUP सर्च करना होगा, पहली साइट आएगी, इसको ओपन कर लीजिए फटाफट से, ई सर्विस जनहित पे क्लिक कर दीजिए, ई सर्विस स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही इतना क्लिक करेंगे तो आपसे मांगेगा स्टूडेंट लॉगिन का इनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड, तो इसको डाल दीजिएगा, है ना। अगर किसी पास नहीं है, भूल गया पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके ये डिटेल यानी इनरोलमेंट नंबर, DOB, मोबाइल नंबर डाल के फॉरगेट कर लीजिएगा, नया पासवर्ड बना लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है, यानी अगर कोई पहली बार है उसको नहीं इसके बारे में पता, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अपना इनरोलमेंट नंबर डालिएगा, वेरीफाई करिएगा, कुछ डिटेल मांगेगा उसको करके अपना पासवर्ड बना लीजिएगा, काम हो जाएगा, फिर स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये डिटेल भरना है। चलिए, हमारे पास एक डिटेल पहले से, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो देखिए, हमारे पास एक डिटेल पहले से हमने भर के रखा, बस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोगों का इस तरीके से खुल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, यहाँ देखिए ई सर्विस आ रहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे एक ई सर्विस ऑप्शन, इसको मत छेड़छाड़ करिएगा, आधार वाले को भी मत छेड़छाड़ करिएगा। सिर्फ क्या करना है आप लोग को, टू व्यू आंसर बुक फॉर जून 2024 एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आप लोग को इस तरीके कुछ पेज मिल जाएगा, जिसमें आप लोग को कई सारा ऑप्शन है। तो आपको फॉर्म भरना जो है वो क्या करना है, 11 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर शाम 5 बजे तक भरना है। और देखिए, फॉर्म भरेंगे यहीं पे प्रिंट व्रिंट का भी ऑप्शन है, कर लीजिएगा। लेकिन किसी का मान लीजिए प्रिंट नहीं हो पाया, छूट गया, तो यहाँ पे अपना डिटेल डाल के कर सकता है, अभी हम दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे बुक मिलेगी, यहाँ रूल वगैरह है, तो इस पे आप लोग क्लिक करिए। तो देखिए, आपका इनरोलमेंट नंबर और DOB और मोबाइल नंबर डाल के फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। तो आप लोगों का क्या होगा, जैसे आप लोग देखिए इतना कर देंगे, ठीक ना, अपना पहले पे क्लिक करके अपना ये डिटेल जो खाली था, इसमें डिटेल को क्या करिए, फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आप इस पे क्लिक कर दीजिए, जैसे इतना हो जाएगा तो इसमें आएगा अलर्ट, ठीक है, डियर एप्लीकेशन प्लीज चेक इंटर OTP वगैरह, ये सब बोलेगा, मतलब OTP आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है। तो आप लोगों को ये OTP का ऑप्शन मिलेगा, इसमें OTP जो मोबाइल नंबर पे आई है उस पर डाल के वेरीफाइड कर दीजिएगा, ठीक ना, वेरिफिकेशन कर दीजिएगा। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा, OTP डाल के वेरिफिकेशन करिएगा, वेरिफिकेशन करेंगे तो आप लोगों का सब्जेक्ट खुल जाएगा, मतलब कितना सब्जेक्ट में आप लोगों को कराना है। तो मैं आप सभी लोग से कहना चाहूंगा, आप अगर पास हैं, फेल हैं, या बैक लगा है, नहीं भी लगा है, सभी लोग सभी सब्जेक्ट में कराइए, जिससे कि आप लोग कॉपी देखिए, आगे चल के गलती ना हो, ठीक ना। क्यों ऐसा, देखिए अब किसी में अगर बहुत अच्छा है तो ठीक है, या फिर आप अगर अच्छे से पूरा देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आगे चल के आप लोग भविष्य में अच्छी पढ़ाई करेंगे, कोई गलती उलती नहीं करेंगे, है ना। तो सभी कॉपियां आप लोग अपना टिक मार लीजिएगा, जितने में आपको कराना हो, या आपकी इच्छा, पर्सनल इच्छा भाई, तो
तो आप लोग उस पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, इस पर क्लिक करिएगा। जैसे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो आपका फॉर्मेट है आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए किसी स्टूडेंट का बोर्ड ने प्रदर्शित किया, ये नहीं किया, अब इस पे डिटेल आपको दी गई तो आप परेशान करें किसी को, ये गलत काम रहेगा, आप लोग ऐसा मत करिएगा। तो आप लोग इस पे क्या करिएगा फटाफट से, ठीक है, आप इस पे क्या करिएगा पूरा डिटेल डाल दीजिएगा, है ना, मतलब ये जो पूरा दिख गया है तो आप लोग क्या करिए पता चल जाएगा किसमें आपने डाला है एक ही बार। बाकी यहाँ स्टूडेंट का टाइम और डेट पूरा एक्यूरेट दिखाएगा, सिग्नेचर वगैरह आपका लिखा रहेगा, इस पे कुछ मतलब नहीं है, प्रिंट करके इसको रख लीजिएगा। अगर किसी का प्रिंट छूट जाता है उसके लिए क्या करना होगा, फिर से आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, टू अपलिए इनरोलमेंट DOB डाल के प्रिंट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। उसके बाद यदि आप 16 तारीख को, ठीक ना, 16 अक्टूबर को आप लोगों का कॉपी दिखना शुरू होगा तो आप लोग क्या करिएगा इसको, ठीक ना, इसको पीछे हो जाओ भाई, ठीक ना, तो चलिए पीछे नहीं होगा क्या, ठीक है, चलिए जाने दीजिए, नहीं होगा, पता नहीं क्या आ गया, तो छोड़िए इसको। तो आप लोग कहाँ आ गया, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, जो ये ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक कर लीजिएगा व्यू वाले पे, ठीक ना, ये आप लोग व्यू वाले पे क्लिक करिएगा, इस पे क्लिक करेंगे दिखेगा, लेकिन अभी कॉपी नहीं है, नहीं दिख रहा, 16 तारीख को दिखेगा। यहाँ पे नोटिस डाली गया बस, तो ऐसे करिए आप लोग फटाफट रजिस्ट्रेशन करिए, अपनी कॉपी देखिए, फिर अपने टीचर्स को दिखाइए, अगर नंबर बढ़ पा रहा है तो रीचेक वगैरह जल्दी जल्दी भर दीजिए, ठीक ना। अगर आप लोग का नंबर कम आया है, आपने अच्छा लिखा है, नंबर बढ़ सकता है, टीचर को दिखाइए कॉपी, फिर आप लोग क्या करिए फिर से जल्दी जल्दी क्या करिए आप लोग ये फॉर्म भर दीजिए, कौन सा, रीचेक का फॉर्म, ताकि आप लोग का नंबर थोड़ा बढ़ के आए, परसेंटेज अच्छा बने। तो बस यही वीडियो में बताना था, बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, हमारी और आपकी मुलाकात होगी ऐसे ही वीडियो के साथ किसी नए अपडेट के साथ, थैंक यू।